आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2022 के सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट से ठीक पहले जो जानकारियां प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और एसीपीडब्ल्यू मार्क्स को लेकर सामने आई बातें वे बता रही हैं कि इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या एसीपीडब्ल्यू में यदि स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें एटलीस्ट 40-50% मार्क्स दे दिए जाने चाहिए। मतलब कि अगर स्टूडेंट ने इन एग्जामिनेशन में अपने अटेंडेंस को प्रेजेंट कर दिया है, जाहिर कर दिया है, तो उन्हें 40-50% मार्क्स स्कूल अपने डिजायर के अनुसार देंगे। बाकी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स बचे रह जाएंगे, इसके लिए दो पैरामीटर तैयार किए गए। फर्स्ट कि स्टूडेंट ने रिटन असाइनमेंट जमा किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर स्टूडेंट ने रिटन असाइनमेंट जमा किए हैं तो उस कंडीशन में रिमेनिंग मार्क्स कि आपको 50% दे देने होंगे। यानी कि यह हो गया कि अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या एसीपीडब्ल्यू के मार्क्स 20 हैं, तो 10 मार्क्स आपको सिर्फ इसलिए मिल जाएंगे कि आपने उन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट में भाग लिया है, अपने अटेंडेंस को जारी किया है, जाहिर किया है। सेकंड पॉइंट कि यदि आप वहां पर रिटेन जो भी असाइनमेंट है प्रैक्टिकल के लिए या प्रोजेक्ट के लिए उसको आपने जमा कर दिया, तो आउट ऑफ रिमेनिंग एग्जाम मार्क्स 5 होते हैं, 10 है, तो उसमें से 5 मिल जाएंगे, यानी स्टूडेंट को 15 मार्क्स बड़े ही आसानी से मिल जाने हैं। यहाँ पर जो लास्ट के 5 मार्क्स हैं, वह इस बात पर निर्भर करेंगे कि इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल उस स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं उस टॉपिक पर, तो कितने मार्क्स को देने के वे ख्वाहिशमंद है। अगर वे मैक्सिमम मार्क्स दे देते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स देने की यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड एसीपीडब्ल्यू में छूट होती है एक्सटर्नल को और इंटरनल को भी, तो वहां पर स्टूडेंट को 5 out of 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो लास्ट के 5 मार्क्स है और वहां पर एक्सटर्नल का खेल, यानी एक्सटर्नल का जो माइंड गेम है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यही पर स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने और न अचीव करने से बचता है। हालांकि बहुत सारे आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूल ऐसे भी हैं जो ये सारे प्रोसेस अपनाते ही नहीं है और स्टूडेंट से पैसे लेकर मार्क्स दे देते हैं, या कुछ उस तरह की प्रोसेस की जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया जाना है। और स्टूडेंट को भी याद रखना है कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या एसयूपीडब्ल्यू में अगर उसके मार्क्स 10 से कम है, तो वह इसके लिए अपना जो रिटन कंप्लेन है स्कूल के प्रिंसिपल को या सीआईएससी अथॉरिटी को ऑफिशियल वेबसाइट cisc.org के माध्यम से कंप्लेन कर सकता है। दूसरी बात कि अगर उसने रिटन असाइनमेंट जमा किए हैं, यानी कि प्रैक्टिकल की कॉपी को उसने जमा किया है, प्रोजेक्ट के लिए उसने जो भी रिटन असाइनमेंट थे उसको लिख दिए हैं, एसयूपीडब्ल्यू के लिए जो भी उसको वर्क मिला उसको उसने कंप्लीट किया और स्कूलों को जमा कर दिया, उस कंडीशन में उसके 100 out of 100% मार्क्स 15 मार्क्स मिलने की पूरी गुंजाइश होगी। और इसको कोई भी काट लेता है, कहीं से कर्टेल किया जाता है कि हाँ कॉपी ठीक ढंग से जमा नहीं था, कॉपी ठीक ढंग से तैयार नहीं था, या कॉपी में किसी तरह के प्रॉब्लम थे, ऐसा करना गुंजाइश नहीं बनती है। और ये बात सीआईएससी का कहना है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जैसा कि एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर इसमें बता रहे हैं। हाँ, एक्सटर्नल 5 मार्क्स के लिए फ्री है कि वो कितना मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ 5 मार्क्स, तो यहाँ पर यह बात 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आईएससी के होते हैं उसमें भी है कि स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाते हैं तो 10-15 मार्क्स वहीं पर मिल जाएंगे। फिर जो 10-20 मार्क्स के बीच है प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के जो भी रिटन असाइनमेंट है वो जमा कर देते हैं तो वहां पर मिल जाएंगे। लास्ट के 10 मार्क्स उनके लिए जो भी एक्सटर्नल है वे देंगे, जब इंट्रोगेट करेंगे तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इस दौरान स्टूडेंट और एक्सटर्नल के बीच में क्या कुछ डिस्कशन होते हैं, तो आईएससी के लिए भी ये 10 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी तरह से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। इसी बीच ओसवाल गुरुकुल का यह 2 बुक आईएससी का क्वेश्चन बैंक एंड आईसीएसई का क्वेश्चन बैंक काफी इंपॉर्टेंट है, और इस समय 70-80% डिस्काउंट पर अमेजोन पर मिला है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि वहां से परचेज करते हैं तो आपको काफी मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट बैच को अभी आप रिकमेंड कर सकते हैं, तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब।